तो आ गया, कैसे हो भाई साहब? नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम, G5, सोनी लीव, लीचड़, पोचड़, सब फ्री मिलेगा, सब फ्री। बस गूगल करो कि हमें फ्री देखना है, तुरंत लोग चीख चीख के, लोग नहीं वेबसाइट, तुरंत वेबसाइट चीख चीख के तुम्हें अंदर खींच लेंगे कि ओहो फ्री चाहिए ना, हम दे देंगे। और ये दे भी देते हैं फ्री, लेकिन ले मत लेना। पूछो क्यों? पूछो, नहीं पूछोगे मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने आया हूं। हाउ आई एम स्मार्ट। देखो भाई साहब, सभी देशों में नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, ये सब लोग बहुत मजे से, मन से देखते हैं, लेकिन सबको ना सस्ता माल चाहिए। और सस्ता क्या, फ्री मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लोगों को भाई फ्री जरूर चाहिए। तो अब नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के तो पैसे लगते हैं, सबको देने नहीं है, देने भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है तुम चोर और ठगों के पास पहुंच जाओ। गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप मिल जाएगी आपको, पीकू, चीकू, लीकू, जहां पर ये सभी मूवीज, ये सभी स्ट्रीमिंग जितने भी एप्लीकेशन है, ये फ्री में चल रहे हैं पैरेलल। ये देखना इल्लीगल है, भारत में तो नहीं है, भारत में तो किसी लड़की का पर्स छीन के भग जाओ वो भी शायद इल्लीगल नहीं है, लेकिन मूवीज देखना इल्लीगल तो नहीं है। कई देशों में जैसे जर्मनी में, जर्मनी में यदि आप देखते हो तो ये इल्लीगल है, और पुलिस आपको चप्पल मार मार के ले जा सकती है। बट इसे देखना इल्लीगल से ज़्यादा खतरनाक है। क्या करती हैं ये वेबसाइट वगैरह, ये इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, किसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, स्क्रीन शॉट ले लेती हैं, ऐसा कर करके ये एक पैरेलल एप्लीकेशन चलाती हैं जहाँ पर आपको ये सभी मूवीज़ मिल जाती हैं, जहाँ पर मूवीज़ एड के साथ देखने को मिलती हैं, या कभी कभी नहीं भी होता। लेकिन दिक्कत तो बस इसी बात की कि इस पर आपको मैलवेयर मिलेगा, मतलब कि जो मेन एप्लीकेशन होती है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सभी फॉर्मेलिटीज, कॉपीराइट हो गया, सरकार से परमिशंस हो गई, प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हो गई, पूरी तरह ये सरकार के नज़रिए में रहती हैं, जहां पर आपके साथ कोई भी दिक्कत होगी तो सभी आपके साथ खड़े होते हैं, आपका डाटा, आप खुद इनके साथ सुरक्षित होते हैं। लेकिन ये जो टुच्ची लुच्ची साथ में जो वेबसाइट हैं, ये किसी से कुछ नहीं पूछते, क्या घंटा प्राइवेसी, क्या पॉलिसी, अरे भैया ये ऐसे समझो जैसे बाजार में खुली मैगी मिल रही है, ना कोई फूड कॉरपोरेशन का लाइसेंस, क्योंकि मेन मैगी का तो फूड कॉरपोरेशन का लाइसेंस होता है ना, जो बाजार में मिल रही है, संडे बाजार में, मंडे बाजार में, उनका कोई लाइसेंस थोड़ी ना होता है, तो समझ लो आप वही वाली खा रहे हो, और वो आपका पेट भी खराब कर सकती है, तो सेम ये भी आपका खराब कर सकती है। कुछ भी, मुझे वर्ड नहीं मिला तो मैंने कुछ भी बोल दिया। देखो भाई, इन वेबसाइट्स को प्रयोग करने का सबसे बड़ा खतरा है मैलवेयर। ये चाहते हैं कि आप इनकी वेबसाइट पर हो, इनकी वेबसाइट पर ऐसी ऐसी चीज पॉपअप होती हैं जो जाने कैसी कैसी होती हैं। आपने बेटा एक बार लिंक पे क्लिक कर दिया ना, तो अंदर तक घुस के चुरा लेंगे आपको, आपके बैंक अकाउंट की क्या वैल्यू, आपकी प्राइवेसी क्या वैल्यू, आपके डाटा, फोन की कुकीज पुकीज, सब के सब, इवन फोन भी हैक हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बिल्कुल फेक वेबसाइट है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दुकान पे जूता मिलता है रीबॉक का और एक मिलता है रीबुक का। तो यदि आप रीबुक सस्ता भी खरीद लोगे ना, लेकिन घटिया तो होता है ना वो। चलो जूते में तो आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन जब आपका कुछ बिगड़ना शुरू हो जाए तो ऐसी चीज़ को कॉपी के नाम पे, सस्ते के नाम पे बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और चाणक्य ने कहा था कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जहां के लोग मुफ्तखोर होते हैं ना, वहां पर ठग राज करते हैं। क्या बात है मेरी, एक्चुअली चाणक्य की। hey,